कहाँ जा रहे हो? दादी के साथ? मम्मी के साथ? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वरुण कुमार व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के लिए मेडिसिन लेने। एक्चुअली में मम्मी का जो राइट लेग है तो उसमें थोड़ी स्वेलिंग रहती है, तो अभी मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। वहां से हम लोग मम्मी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ही लेते हैं, तो अभी हम चलते हैं। बंद कर लो दरवाजा। क्या दे रहे हो दादी को? हेलमेट पार दे रहे हो दादी को हेलमेट पहनने के लिए। मम्मी की पर्चियां भूल गया था मैं डॉक्टर की, वो लेके जानी पड़ेगी। चलो बंद कर लो, ले लिया मैंने पर्चियां। पर्चियां लेने आया था, भूल गया था। अभी मम्मी हेलमेट लगा रही हैं। लगा लिया? चले पार। चलो मम्मी के लग गया ना, चलो बैठ जाऊ, चलते हैं अभी। अभी यहाँ से हमने मम्मी की दवाई तो ले ली है, ये देखो ये मिलती है छोटी छोटी दवाइयाँ, बड़ी वाली अच्छी वाली खाने के लिए। चले पार अब घर चलते हैं, मम्मी की दवाई तो ले ली है होम्योपैथिक। बैठ जाओ, चल रहे हैं घर। चले कि अभी थोड़ा सा काम कर ले जाए। मैं सोच रहा हूँ कि जो कल गमला लेके आए थे वो हम लोग जरा तुलसी उसमें शिफ्ट कर देते हैं, वरना ये काम भी रह जाएगा। तो अभी इसकी तैयारी कर लेते हैं तुलसी को इस गमले में शिफ्ट करने की। ये तुलसी को ये तोड़ दिया था कबूतरों ने गमला, अब ये इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी हम मिट्टी खोद खाद के तब इसको करते हैं। हाथ मत कर, ये मैंने कर दिया यहाँ पे शिफ्ट। ये गमला देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे दिया जलाने का है ये, और ये तुलसी माता को मैंने इसमें लगा दिया अच्छे से और कर दिया एकदम परफेक्ट। अब इसमें थोड़ा पानी डलेगा तो ये मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, इसमें से मिट्टी भी बच गई अभी तो काफी। चलो ये काम तो निपट गया। अभी उठा के वहीं पे रख दिया था तुलसी माता को, हो गया ना बड़े तरीके से। यहाँ पे बताओ पार की जरा स्टाइल देख लो किससे। ये तो इसकी उसका मेरे को लग रहा है क्या कहते हैं जो वो नहीं होती क्रेन, क्रेन का हाथ जिससे खुजली करवा रहा है। बताओ यार। अच्छा तो ये इसकी खुजली करने के लिए। ओए भाई ये क्या तेरा चक्कर है, ये कितना मजा आ रहा है इसको। बस हो गया, अभी गमला तो हमने लगा दिया है, बट अभी एक काम और रह गया है, वो है गुसल खाने का। जो हमारा बाथरूम है इसका ये नलका टक टक करते रहता है, ये देखिए। इसको भी अब सही कर दिया जाए, जो काम है जल्द से ज्यादा काम निपटा ही लेता हूँ मैं फटाफट अभी जल्दी से। तो अब आज ये भी कर दूं, ये भी काफी दिन से टपक रहा है और कहते हैं कि पानी का टपकना ऐसे नलकों से टप टप करना अच्छा नहीं होता। तो अभी पहले जाऊं ऊपर से बंद करके आता हूं, फिर उसके बाद इसको मैं सही करता हूं। अपनी टंकी का भी ऊपर से गेट वॉल बंद करना पड़ेगा। गेट वो तो बंद करा रहा था बट अभी भी पानी आ रहा है। अब ये पानी से लगने वाला है, रुकने वाला है, फिर मैं तो सही करूंगा। इसको खोलते हैं, इसको दूसरा शिफ्ट करते हैं। अभी बड़ी मेहनत करने के बाद और मैंने अपना ये नलका ठीक कर ही लिया है, ये देखिए अब ये बिल्कुल इधर पे है और बिल्कुल भी नहीं टपक रहा, वरना पहले बिल्कुल इधर बंद करने पे टपकता था और अब पानी की स्थिति अच्छी आ रही है। घर में अभी तो फिलहाल घर में ही रहता हूँ तो काफी काम सीख गया हूँ, मतलब बिजली का भी काफी काम मैं कर लेता हूँ और ये नलके वलकों का भी अब मेरे को आ गया काम ठीक ठाक कि कैसे करना है। तो प्लम्बर के तो पैसे बचा ही लिए आज मैंने, कर दिया नलका सही। आप लोगों के प्लम्बर के पैसे बचा दिए और वो पैसे मेरे को दे देना, अभी मेरे पास काम धंधा नहीं है तो मेरे को ही पैसे दे दिया करो जो मैं काम करता हूँ। 50 रुपए हुए या 100 रुपए हुए?
देख लिया फ्रेंड्स, अभी प्लम्बर आता इनसे 200 रुपए ले जाता और ये मेरे को 500 रुपए दे रहे हैं। पार्थ क्या कर रहा है यार, मार क्यों रहा है? ये तो काम करके आए, ऊपर से मार रहा है। हैं की हरकतें देख लो, ये इसने दरवाजा बनाया हुआ है, अब हम इस पे से लांग के जाएंगे ऐसे। और ये बना रखा है इसने अपना पिलो और बेड। ए भाई, ये कौन सा टाइम है सोने का बेटा? अभी तो 1 बज रहा है दिन के। अभी तो हमने अभी अभी आपने खाना खाना है ना, एक बार हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस बेटा, बहुत अच्छे से पार्थ एक बात है, हेलो गाइस कितने अच्छे से बोलता है ना पार्थ। अपने पापा को अपना घर दिखाओ, बताओ पिल्लो है वो क्या? वो देखो वो नीचे से निकल रहा है पार्थ इसकी तो ना, वो देखो दिमाग देख लो इसका पार्थ। एक बार ऐसे कर दे, पानी पानी पानी। ये इसका डांस मस्ती में करता सारे काम, अगर अच्छे से करे तो सही कर लेता है ये। अभी बज गए शाम के 7 और मीठू ने यहाँ कर लिया पूजा, जो हमारा नया गमला था ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक जला रखा है दिया शम्मी के पौधे के पास, और एक हमारे ये जो नया गमला लेके आए हैं तुलसी का उसके पास। और आजकल तो वैसे भी अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, और यहाँ पे ये मीतू और ये जिद कर रहे हैं। आज फ्राइडे है, बट आज हमारे यहाँ पे मार्केट नहीं लगी हुई है। देखो आज मार्केट मतलब कुछ ही लोगों ने लगा रखा है, मतलब हमारे जो घर के नीचे मार्केट लगती थी अब वो नहीं लग रही है। ये भी अच्छी बात है, सिर्फ सब्जियों की मार्केट लग रही है। पार छिपकली, छिपकली कहाँ है बेटा? अरे पार दिखा रहा है छिपकली, ये देखिए। पार बहुत डरता है छिपकली से, है पार? बेटा आप बहुत डरते हो, हैं? छिपकली आपको काट रही है कोई? बोलो पार जल्दी बताओ। आप मास्क लगा के कहाँ तैयार बैठे? नहीं, मगर ये डरता बहुत है छिपकली से। पार्थ बेटा कहाँ से आ रहे हो? अभी हम आ रहे हैं पार्थ के ट्यूशन की बात करके, क्योंकि जितना टाइम ये कोविड चल रहा था तो पार्थ स्कूल तो जा नहीं पाता था, ऑनलाइन क्लास होती थी। और इसकी क्या कहते हैं, अभी हमें ये भी रहा था कि इसके हमने ट्यूशन भी नहीं लगवाई थी, तो अभी हम लोग आ रहे हैं इसकी ट्यूशन की बात करके। अब ये कल से जाएगा अपनी ट्यूशन, है भाई मेरे को? हाँ जी है बेटा आगे। और अभी हम लोग आ गए पार्थियों करने, और कौन आया दरवाजे पे एक बार देखते हैं हम लोग। ये तो ओहो, ये तो साक्षी आई है। वाओ हेलो, कैसे हो साक्षी? बहुत दिनों बाद आए बेटा। ये साक्षी है और ये फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, और देखिए आज बहुत टाइम बाद आई है। मैंने सुना आप 2 महीने बाद आप क्या कहते हैं मेरे को सुनने में आया, डांस क्लास में सीख रहे हो? हाँ। सच में? तो आप पार्थ को सिखाओगे? हाँ, सिखाओगे। चलो फ्रेंड्स ये तो अच्छी बात है, साक्षी और पार्थ दोनों करेंगे डांस। पार्थ बेटा डांस करोगे ना अभी साक्षी दीदी के साथ? अभी पैर में दर्द हो रही है, चलो बाद में करेंगे। तो सही है, आप साक्षी डांस क्लास जाती हो, पार्थ को भी सिखाएगी तो बहुत मजा आएगा इन दोनों के साथ वीडियो बनाने में। लो साक्षी और पार्थ, अब ये पार्थ से बेटा पार्थ साइकिल चलाओ, क्या हुआ दीदी भारी हो गई क्या, चलाया नहीं जा रहा? ये दोनों खूब मस्ती कर रहे हैं, दोनों जब भी साक्षी आती है तो पार्थ बहुत मस्ती करता है। हैं साक्षी, पार्थ बहुत मस्ती करता है ना आपके साथ बेटा? सही है ना, अच्छा है, दोनों आपस में खेल लेते हो। ये देखो अब साइकिल चलाएगा ये, अब साक्षी चलाएगी और पार्थ पीछे बैठेगा, शाबाश। अरे नहीं चलाई जा रही साक्षी से, ओह माय गॉड, चप्पल क्यों पहननी है, बिना चप्पल के चल जाएगी। ओहो अच्छा, हाँ मैंने देखा था आप सुबह 7 बजे उठ के साइकिल चला रहे थे। पार्ट के ट्यूशन स्टार्ट है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ बुक्स और स्केच बुक्स लेने आया हुआ हूँ बुक डिपो पे। तो अभी यहाँ से मैं पार्ट के ले लूँगा ड्राइंग फाइल और एक रजिस्टर,
और एक 3-in-1 कॉपी, 4-in-1 कॉपी, क्योंकि कल से उसका स्टार्ट हो जाएगा ट्यूशन। आज का तो सारा दिन बिजी रहा। पहले सुबह मम्मी को लेके गया मेडिसिन दिलाने के लिए होम्योपैथिक, उसके बाद आके गमला तुलसी का सही किया, फिर नल का सही करा, फिर अभी ट्यूशन के लिए हम पार्क के लिए बात करके आए। इसका ये है कि अब ये कल से ट्यूशन जाएगा, क्योंकि अभी कोविड के चलते बहुत ज़्यादा इसका स्टडी का लॉस हो रहा था, क्योंकि स्कूल्स अभी खुल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें इतना ज़्यादा हो नहीं पाता और हमारे से ये पढ़ता नहीं है। तो ठीक है कि अब इसका हमने ट्यूशन का करा दिया, और वहाँ ट्यूशन सेंटर में 7 बच्चों का ग्रुप है जिसमें जाके वहाँ पे पढ़ेगा और खेलेगा भी वहाँ पे, मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हमें आगे ग्रोथ का भी देखना पड़ेगा। तो आज का दिन कुल मिला के बहुत ज़्यादा बिजी रहा था, अब कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो गया है, तो हमने भी इसलिए सोचा कि अब इसको हम ट्यूशन सेंटर में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सबको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।